होती है, अगर आपने इसको बना के रख लिया है और रोज सुबह जैसे कि आप बच्चों को या अपने खुद में चवनप्राश लेते हैं आधा चम्मच, तो इसको थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच इसको भी अगर लें तो सर्दी खांसी के लिए बहुत आरामदायक चीज होता है। और जो शुरू से ही हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि घर में कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे हमारे किचन से ही निकलते हैं जितने भी घरेलू नुस्खे होते हैं, तो वो सब मिला के हम इस्तेमाल करते हैं। तो अदरक का हलवा जो है बेसिकली मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, वो बना के रखती है हमेशा, जैसे सर्दियों का सीजन शुरू होता है वो बना के प्रॉपर रख देती है, खुद भी खाती है और सब लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और उसका रीजन जब आप बना के रखोगे अपने घर में इस्तेमाल करोगे तो वो दिखेगा बेसिकली उसका फर्क। तो वो अदरक का हलवा मैं कैसे बनाऊंगी, मेरी सासू माँ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अदरक का हलवा बनाने के लिए ये मैंने अदरक लिया हुआ है, तो ये लगभग 150 ग्राम अदरक है ये, और एक कच्ची हल्दी है। इसमें कभी भी अदरक का हलवा आप बनाएं तो कच्ची हल्दी से ही बनाएं, नॉर्मल जो हम रखते हैं मसाले में वो हल्दी ना डालें, नहीं तो फिर सारा उसका टेस्ट जो होगा वो तो होगा ही, कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। तो मैंने 50 ग्राम लगभग हल्दी लिया हुआ है, कच्ची हल्दी। और ये अदरक जो है क्वांटिटी, अदरक अगर ज़्यादा है तो हल्दी की मात्रा उससे हमें आधी रखनी है, मतलब अदरक हमें ज़्यादा लेना है उसके आधे में ही कच्ची हल्दी लेना है। और अभी मार्केट में ये सीजन में हल्दी हर जगह आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको छील लेते हैं, अदरक और हल्दी को पहले हम इसको छील के और टुकड़े टुकड़े में काट के रख देते हैं। अदरक और कच्ची हल्दी को मैंने ऐसे छील के और ऐसे टुकड़े में काट दिया है, ये हाथों पे हल्दी का असर दिख रहा है, पूरा लग गया है। तो इसको इसका हमें अब पेस्ट बनाना है, तो हम कोई भी मिक्सर का छोटा सा जार लेंगे, इसको क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा जैसे ये घिस भी सकते हैं, जैसे चाय के लिए हम अदरक घिस के डालते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन तो बनने के बाद से कहीं लगता है कि कहीं मुँह में ना आए, अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो वो तो फिर निकाल ही देंगे, बड़े लोग तो फिर भी खा सकते हैं। तो इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऐसे ही हमें चला देना है। अदरक और कच्ची हल्दी का मैंने ऐसे इसको मिक्सर में चला दिया है, तो ये ऐसे बन के आ गया है पेस्ट। अब इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। कोई भी पैन ले लेंगे छोटा सा, या कोई भी कढ़ाई, तो यहाँ पे मैंने पैन गर्म कर दिया है, गैस को स्लो रखेंगे और इसमें घी डालेंगे, तो 2 चम्मच घी ले लेते हैं और घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। घी जो है गरम हो गया है, अब इसी में डाल देंगे जो यहाँ पे अदरक और हल्दी को पीस के रखा हुआ है, इसमें डाल देते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं और इसको चलाएंगे लगातार, और बहुत अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि इसका पूरा कच्चा पन्ना निकल जाए और ये बढ़िया सा एक फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू भी आने लगेगा, तब तक इसको हम चला के ही मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। चार से पाँच मिनट तक इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ही इसको लगातार चलाते हुए भुना है, तो ये कलर दिख रहा होगा पूरा चेंज हो गया है और थोड़ा सा ये कम भी हो गया है। अभी गैस को एकदम हम स्लो कर देंगे और यहीं पे डालेंगे, यहाँ पे मैं गुड़ ले रही हूँ, इसमें चीनी भी डाल सकते हैं जिनको नहीं पसंद हो गुड़ का, लेकिन ये गुड़ में बनाएं तो सर्दियों के लिए मतलब सब कुछ हमारा पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, एक फ़ायदेमंद वाला ही। तो यहाँ पे गुड़ डालेंगे हिसाब से जितना इसमें आ जाए, तो यहाँ पे 3 से 4 टुकड़े छोटे छोटे मैंने ऐसे गुड़ का तोड़ के रखा हुआ है वो डाल देंगे, और अब इसको चलाएंगे। अब गैस को कर देते हैं मीडियम, लेकिन ध्यान देना है कि ये कहीं से नीचे से जले ना, पकड़े ना, अब गुड़ जो है अपना पानी छोड़ देगा, और चलाते हुए हमें इसको लगातार भून देना है। गुड़ ने जो यहाँ पे पानी पूरा ये पिघलने लगा है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें गुड़ के साथ हमें इसको अच्छे से पका लेना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस का मीडियम पे ही रखेंगे। गुड़ ने पूरा पानी यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको धीमे धीमे आंच पे ही हमें भुनना है, गुड़ के साथ पकाना है, गैस को स्लो रखेंगे। अब इसमें डाल देते हैं, ये मैंने 4 से 5 काली मिर्च है, इसको मैंने खल्ली में कूट दिया था, वो डाल देंगे। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने प्रॉपर घर पर इसको कूट के ही बनाया हुआ है। और 2 इलायची है, ये फ्लेवर के लिए डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी कर सकते हैं,
लेकिन इससे ये होता है कि जैसे बड़े लोग तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को अगर आप देते हैं तो थोड़ा सा कुछ फ्लेवर चेंज होगा, तो बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। और ये सब डाल के चला देते हैं और इसी में ऐड कर देंगे, ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके रखे हुए हैं, काजू के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं और किशमिश है, तो ये भी ऑप्शनल है। अगर इसको भी आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट इसका सही आ जाएगा और देख के इसका लुक भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अदरक है और कच्ची हल्दी है। अब इसको चला देंगे। अदरक का हलवा बनके तैयार हो गया है। इसमें घी ने भी ऐसे छोड़ दिया है पूरा, जो इसमें पका हुआ है, किनारे किनारे से घी की लेयर दिख रही है और देख के तो बहुत प्यारा लग ही रहा है, बहुत मज़ेदार सा होता भी है टेस्ट में। अब गैस यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। ये सर्दियों का रामबाड़ी इलाज है, टेस्ट का तो बहुत अच्छा लगता भी है लेकिन उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसको सर्व कर देते हैं। अदरक का हलवा बनके तैयार हो गया है, मैंने इसको प्लेट में लगा दिया है। तो आप अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अपने घर पे बना के आप रखें और ये 15 से 20 दिन आराम से चल जाता है। थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच दोनों टाइम अगर आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्दी खांसी हो तो ही हम लें, ये थोड़ा सा अंदर से गर्मी भी ये देता है, सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी होता भी है। देखा जाए तो एक तरह से ये सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है ये। तो अगर ये अदरक का हलवा का रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।